वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में, हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन और वाटर कार्ड साथ में बैरक का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि लंबे समय से पुलिस की ओर से इन भवनों के निर्माण की मांग की जा रही थी, इसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। और आपको बता दें कि इससे आने वाले समय में पुलिस और जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों को काफी लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि इन भवनों का निर्माण लगभग 9 करोड़ रुपए में तैयार किया जाएगा। इसी दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस आधुनिकीकरण करने के लिए तमाम फैसले ले रही है और आगे भी ये जारी रहेगा, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने इस पहल को पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी सौगात बताया। तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा रहा है, यात्रा सही ढंग से चल रही है। 25 लाख श्रद्धालु अब तक यात्रा में आ चुके हैं। भवन निर्माण बेहतर तरीके से हो, ये बात सीएम ने कही है। कार्य की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर डीपीआर में 5% की धनराशि बढ़ानी पड़े तो उसको बढ़ा दिया जाए। 6 मई को केदारनाथ धाम में 20 से 22 हजार श्रद्धालु पहुंचे और वहीं पुलिस प्रशासन ने यात्रा को व्यवस्थित किया है। बजट के लिए आम लोगों से भी सुझाव लिए गए थे। प्रशासनिक भवन और बिल्डिंग में सोलर पैनल का भी इंतजाम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, कॉरपोरेशन और सबकी सहभागिता से काम करने की जरूरत है। ये सीएम धामी की वो बड़ी बातें हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, जो कि आज उन्होंने कही है। चाहे वो श्रद्धालुओं को लेकर हो या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर हो, किस तरीके से यात्रा वहां पर चल रही है और उसमें कैसे व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को दी गई हैं और किस तरीके से श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आज सीएम धामी ने ये शिलान्यास किया है। 9 करोड़ रुपए की लागत से भवन बनकर तैयार होंगे और सभी को इसका लाभ मिलेगा। पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही है और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बनाया है, क्वार्टर गार्ड का भवन बनाया है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए, केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है और साथ ही साथ क्योंकि पुलिस ने अभी चारधाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अच्छा काम करेगी। मेरी सभी को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तो भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमोसफेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए गए उच्च कोटि उच्च गुणवत्ता के बनाए जाएँ और उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम उनके बहुत आभार। प्रदेशवासियों को जल्द ही एफआईआर की सुविधा मिलेगी, इसमें घर बैठे एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। शुरुआत में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में एफआईआर कराई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की। इस दौरान सीएम धामी के सामने एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। सीएम धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर से आम जन को बहुत सुविधा होगी, व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एफआईआर में उच्च अधिकारियों की तरफ से नियमित रूप से समीक्षा की जाए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जिसमें उन्होंने जीएसटी प्रतिपूर्ति, प्रदेश की हाइड्रो बिजली परियोजनाओं को लेकर राज्य की चिंताएं भी जाहिर की हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है और उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग हमेशा से ही मिलता आया है। ऐसे में उनके अनुसार उत्तराखंड के साथ किसी भी तरह से नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। सभी बातें रखी हैं उसमें, हमारी हाइड्रो परियोजनाएं भी हैं, जीएसटी प्रतिपूर्ति भी हैं, अनेकों विभागों की अलग अलग योजनाएं हैं, उन सभी पर हमने बात की है। हमारा उत्तराखंड राज्य धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, उस क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों को हमने, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश शहर हो, चाहे हमारे अन्य स्थान हो, इसी प्रकार से मानस मंदिर माला मिशन, उसको भी हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें हमारे अनेकों मंदिरों को एक माला के रूप में पिरोया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण से लेकर उनका सुधारीकरण और चौड़ीकरण सभी किया जाएगा। सारे मुद्दे रखे हैं, सब पर हमको निश्चित उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जो उनका तो हमेशा से ही रहता है, और उसके साथ साथ हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों ने, सब ने जो है सकारात्मक रूप से सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है और आपको बता दें कि भाजपा की सरकार जनता के द्वार हो, इसी मंशा पर उत्तराखंड की सरकार काम करने जा रही है। भाजपा का कहना है कि विकास के कामों को गति मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जनता से खुद जाकर मिलेंगे और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वो जनता दरबार के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ में जिले के विकास कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में नौकरशाही की मनमानी और मंत्रियों से तालमेल की कमी हमेशा से देखी गई है। मौजूदा समय में भी मंत्रियों और नौकरशाह के बीच में तालमेल की कमी का जो चर्चा है वो हमेशा चर्चा का विषय रही है और उसके अलावा मंत्रियों से ज्यादा अफसरों की व्यस्तता पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। नौकरशाही पर खड़े हो रहे सवालों पर बीजेपी ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के कामों को अपने अपने दायरे में रखें, जिसको समझना होगा। सरकार और नौकरशाही में तालमेल जरूरी है, जो कि हमेशा दिखता है। इशू और कोई कार्य एक दूसरे पे शिकंजा कसने का नहीं है, एक दूसरे के तालमेल का है और दोनों ने मिलके इस राज्य के विकास में अपनी भूमिका को निर्धारित करना है। मुझे लगता है कि वर्तमान में हालांकि काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया गया है, परंतु एक एक अधिकारी के पास 3-3, 4-4 विभाग होने के कारण कई दफ़ा ऐसा लगता है कि भी वो उसमें बैलेंस नहीं कर पाते। मंत्री जो हैं जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच में रहने का स्वभाव होता है और अब तो उन पर प्रभार क्षेत्र भी बढ़ गया है। शीघ्र ही प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जब दौरा करेंगे तो इन चीज़ों को विशेष तौर पर ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली रोड बसों पर अब एक चिट्ठी ने ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ अब BR6 बसों को ही एंट्री देने का पत्र भेजा है। ऐसे में उत्तराखंड से दिल्ली आने वाली 250 बसों में सिर्फ 50 बसें ही ऐसी हैं जो कि BR6 हैं। आपको बता दें कि इस लहजे से तकरीबन 200 बसों पर ब्रेक लग जाएगा। हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त OP मिश्रा की ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम को एक पत्र मिला है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए इस पत्र में बताया गया है कि दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए NGT ने भी यह निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल से दिल्ली में BS4 वाहनों की खरीद बिक्री नहीं होगी और उसकी जगह अब केवल BS6 वाहन ही संचालित होंगे। इसके अलावा NGT ने पहले ही यह निर्देश दिया था कि 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों को NCR में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर BJP का कहना है कि सरकार के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। इसके बाद परिवहन विभाग अपनी तैयारी में जुट गया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की तकरीबन 250 बसें दिल्ली आती हैं, इसमें से 22 वोल्वो और कुछ प्राइवेट बस मिलाकर 50 बस ही BS6 हैं और उसके लिए ही निगम अब 141 BS6 बसें खरीदने जा रहा है। देखिए, इस मामले का संबंध सीधा प्रदूषण से है और जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं
उसमें वर्तमान में सभी वाहनों के लिए BS6 जो नए आ रहे हैं उनको लागू किया गया है। लेकिन जहाँ तक बस सेवा का सवाल है तो ये बसें चल रही हैं और इससे यात्रियों को और जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अचानक अगर बंद कर दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर एक दिक्कत आएगी। इस मामले को राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया है और इसके बारे में बात की जा रही है। हरिद्वार के लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर के खानपुर क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के लक्सर रोड खानपुर मंडल क्षेत्रों में कई कार्यक्रम के तहत शिकायत की गई। आपको बता दें कि खानपुर पहुंचे पहले ही उनका लक्सर में नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के कैंप का रैली में स्वागत किया गया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में 8 सालों का कुशल कार्यकाल पूरा हुआ है। इसके उपलक्ष्य में पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से मंडल स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें उनकी ओर से हिस्सा लिया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कई कांग्रेसियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के लाभ को लेकर संगठन की तरफ से जागरूक किया जाएगा। हमारे मंडल की बैठकें सब जगह हो रही हैं और यहाँ पर आज कुछ कांग्रेस के लोग भी ज्वाइन करेंगे। जगह जगह अभी खानपुर में भी ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है, वो भी है। तो भारतीय जनता पार्टी मंडलों की बैठकें हो रही हैं और सुशासन के 8 साल जो मोदी जी के हैं और राज्य सरकार के उसका धामी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है तो आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस काम की कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचा रहा है और बूथों को मजबूत। पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार की अध्यक्षता में नशीले पदार्थों के अवैध विक्रय भंडारण उत्पादन को रोकने की समीक्षा का आयोजन किया गया और इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी ही तय समय पर नहीं पहुंचे। इसकी वजह से डीएम को बैठक शुरू करने के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। उसके बावजूद डीईओ माध्यमिक जिला आबकारी अधिकारी और मुख्य कृषि अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों की NDPS जैसी महत्वपूर्ण बैठक के प्रति लापरवाही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बैठक में नदारद तीनों अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया गया। डीएम ने बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। NDPS अधिनियम के अंतर्गत जनपद स्तरीय एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इसमें आवश्यकता थी कि जिला स्तरीय जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं माध्यमिक, उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी, जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य थी, मुख्य कृषि अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य थी और इनके द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया है। इन सभी का मैं स्पष्टीकरण जारी कर रहा हूँ और जिन अधिकारियों को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था उनको किसी विशेष जानकारी का अभाव उसमें नज़र आ रहा था, तो उनका बैठक में प्रतिभाग करने से कोई उनका योगदान उसमें नहीं प्राप्त हो पाया, जो कि एक संतोषजनक। सोनप्रयाग से 2170 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ को रवाना हो गया। सोमवार को 6053 पुरुष, 3939 महिलाएं और 226 ननिहालों, दो विदेशी सैलानियों समेत 10220 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि अभी तक 8,14,622 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 6 मई से अभी तक कुल 17 विदेशी सैलानी केदारनाथ धाम पहुंचे। सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई। वहीं 15 जुलाई से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों के आवागमन में इजाफा लगातार हो रहा है। केदारनाथ धाम में इस साल भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मानसून के दस्तक के बाद धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट आने लगी है। कुछ दिन पहले जहां भक्तों को दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा था, वहीं अब दर्शनों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार धाम में सुबह के समय बारिश होने से धाम के चारों ओर घना कोहरा छा रहा है। बारिश और घने कोहरे के बीच में भी भक्तों के दर्शनों के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। भक्तों के जयकारों से केदारनाथ धाम भक्तिमय हो जाता है। जिला प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों को तेज बारिश में यात्रा न करने को कहा है।
साथ ही जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने बारिश के मौसम में राहत और बचाव संबंधी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। और अब खबर चमोली के थराली से है, जहां पर राजस्व उप निरीक्षक पुलिस कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और उसी के चलते चमोली के जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत राजस्व इलाकों के सभी पुलिस कार्य अब राजस्व पुलिस या फिर नायब तहसीलदारों की बजाय नियमित पुलिस करेगी। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कार्य बहिष्कार के चलते राजस्व पुलिस में नायब तहसीलदारों की कमी हो गई है और इसी वजह से कार्य संपादन में कठिनाई आ रही है और इन परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह फैसला किया है। गदरपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने क्षेत्र के पशुपालकों से अपने पशुओं को संक्रामक बीमारी की वैक्सीन लगवाने की अपील की है और इस मौके पर डॉक्टर रविशंकर झा ने कहा कि केंद्र सरकार की ये वित्त पोषित योजना है जिसमें कि क्षेत्र के सभी दुधारू गाय और भैंस को संक्रामक बीमारी की वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि घर घर जाकर हर पशु को लगाई जाएगी। आपको बता दें कि इस महीने तक इस विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि पशुओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। ये अभियान 25 जून से शुरू हो चुका है और 25 जुलाई तक चलेगा। पशुपालन विभाग के द्वारा केंद्र सरकार से सहायतित NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका मुंहपका का व्यापक टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है जो कि 25 जून से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक चलेगा। इसमें हम घर घर जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक पशु का टीकाकरण करेंगे जो कि पूर्णतया निःशुल्क होगा। देहरादून से सीवीज बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नए चीफ जस्टिस विपिन सांघी आज शपथ लेंगे, शाम को 6 बजे शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी, राज्यपाल दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश को शपथ, राजभवन में ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो राजभवन में ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई लोग भी पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पर नए चीफ जस्टिस विपिन सांघी आज शपथ लेंगे, शाम को 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शाम को 6 बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और राज्यपाल खुद शपथ दिलाएंगे। आज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाएगी। आज जो शपथ का कार्यक्रम रखा गया है, राजभवन में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाएगी। तकरीबन 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहां पर होगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।